हेलो एवरीवन, सो आज हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एमसीक्यूज़ की जो हमने बनाई है केमिस्ट्री पे, उसका पार्ट थर्ड करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि जो फर्स्ट टू पार्ट्स में हमने एमसीक्यूज़ किए आपको समझ आए। ठीक है, कुछ न्यू एमसीक्यूज़ भी हमने कवर किए, जो नए थे उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, और आज हम इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमने फर्स्ट टू पार्ट्स में अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है, सो अगेन आप लोग रेडी हो जाओ विद योर पेन एंड पेपर, राइट योर आंसर्स एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो राइट योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन 26 सेज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स डायरेक्टली इनटू गैसेस इज नोन एज। ठीक है, ये हमने सारा करा हुआ है, कन्वर्जन्स जो थे पूरा। ऑप्शन ए इज इवेपोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी बॉइलिंग एंड डी सब्लिमेशन। सो सॉलिड टू गैसेस को हम क्या बोलेंगे? मार्क योर आंसर्स। एट द राइट आंसर इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, मीन्स हमें गैस टू अब किस में जाना है? लिक्विड में। ठीक है, सो ऑप्शंस आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर, बी डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, सी इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग प्रेशर, एंड डी डिक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर। सो इसमें याद रखना, गैसेस में यूजुअली क्या होगा, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका इफेक्ट उल्टा होगा कि प्रेशर को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर को टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो अगर आपको प्रेशर के रिस्पेक्टिव में कोई चीज़ नहीं आती है, देन ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर जो होंगे यहाँ पे इन्वर्सली चलेंगे गैसेस के केस में। सो आप सिर्फ इतना सोचो, जो हमने पढ़ा था उसमें गैसेस टू लिक्विड जाने के लिए आप सिर्फ टेम्परेचर के परस्पेक्टिव से पढ़ो कि टेम्परेचर इंक्रीज करना था या डिक्रीज करना था। सो जब हम गैस टू लिक्विड जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। सो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, इट मींस वी आर इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, सो ये याद रखने का इजी तरीका है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो इन्वर्सली चलेगा। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करने पे गैस लिक्विफाइबल हो रही है, इट मींस हम प्रेशर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, अगर हम एक ऐसे सब्सटेंस जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उसको हमने एक ऐसे स्टेट में कन्वर्ट करना है जिसमें पार्टिकल्स पास पास हों, तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। वाइस वर्सा हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? इंक्रीज। ठीक है, सो आई होप आपको इसका आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन गैसेज आर, कैसे होते हैं? ये मैंने आपको गैसेज के लेक्चर में पूरा एक टेबल समझाया हुआ है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज का। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस गैसेस में कैसी होती हैं? वीक, स्ट्रांग, मीडियम या फिर इधर वीक और स्ट्रांग। मार्क योर आंसर। सो द राइट आंसर इज वीक। ठीक है, इनफैक्ट जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है अट्रैक्शन की गैसेस में, वो इन कंपैरेटिवली टू और सबसे वीक होती है। नेक्स्ट इज द इंटर पार्टिकल स्पेस इज मैक्सिमम इन केस ऑफ। अब जैसे हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड एंड गैस का, ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन सॉलिड लिक्विड एंड गैस में भी आए, आपको ऑप्शन इस तरह के से भी आ सकते हैं। जैसे इसमें है ऑप्शन ए इज़ वुड, बी इज़ वाटर, सी इज़ हाइड्रोजन गैस एंड डी इज़ ऑल हैव सेम स्पेस। सो इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम किस में होती है? गैसेस के केस में। और इन द अबव ऑप्शन गैसेस कौन सी है हमारी? सिर्फ हाइड्रोजन गैस। सो द राइट आंसर इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट इज सब्सटेंस एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट व्हेन। सो सब्सटेंस कब गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? व्हेन इट्स थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और व्हेन इट्स थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और व्हेन इट्स थर्मल एनर्जी इज लेस देन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, और ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। सो इसमें क्या होता है, आपको मालूम है
कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होती है गैसेस में, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे कम होती है गैसेस में। और क्या होता है, थर्मल एनर्जी मींस कि हीट प्रोवाइड करना, ठीक है, और गैसेस में पार्टिकल्स आपको पता है दूर दूर होते हैं, तो क्या होता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं या हम बोलें टेम्परेचर, जैसे हमने टेम्परेचर के परस्पेक्टिव में पढ़ा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगी हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। जो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हमारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, ठीक है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है उनके बीच और भी कम हो जाती है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा कि जब थर्मल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन से, तो सब्सटेंस कहाँ एग्जिस्ट करेगा, गैसेस में, क्योंकि अगर जो है थर्मल एनर्जी कम हुई और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो इट मीन्स या तो वो सब्सटेंस लिक्विड में करेगा या वो सॉलिड में होगा। लीस्ट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ गैसेस में होगा, उसके लिए हमारी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। एक बार फिर से देख लो इसको, अगर नहीं समझ आ रहा तो, थर्मल एनर्जी क्या होगा हमारा, ज़्यादा होगा, सो दैट पार्टिकल्स जो हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, मूव करेंगे, उनके बीच की स्पेस ज़्यादा होगी, स्पेस ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी कैसे पता चलेगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो ईजिली कंप्रेस हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू जिसमें मॉलिक्यूल्स क्लोजली होंगे उसमें कंप्रेसिबिलिटी इतना नहीं होता। सो आप इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके चलेंगे, सो क्या आंसर आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, हमारा मार्कर आंसर, आप सिर्फ देखो कि इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज़्यादा किस में होती है, सो आंसर हो जाएगा कि करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा, गैसेस में सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, गैसेस में सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में और उससे कम सॉलिड में, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेयर प्रेशर ऑफ गैस, ऑप्शन ए बैरोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी एमीटर एंड डी वोल्टमीटर। सो इसको भी आपको ध्यान से ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल ही जाएगा, सो मार्क योर आंसर एंड द राइट आंसर इज बैरोमीटर। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या होता है हमारा, टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है और रिलेशन होता है हमारा प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, और प्रेशर क्या होता है और जो रिलेशन होता है वो कौन सा, वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग पी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सही है, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने इसको ये देखा था P1V1 इक्वल्स टू P2V2 कैसे आया था, जब हमने इस कांस्टेंट को रिप्लेस किया था विद द सिंबल के कांस्टेंट से, ठीक है, ये सारा मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ इज कॉल्ड एज, हमने ग्राफ तो पढ़ा था बट उस ग्राफ को बोलते ही क्या है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन है आइसोबार, आइसोक्रोम, आइसोथर्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो हमने पढ़ा था कि इस तरह से होता है, इधर प्रेशर होता है, इधर वॉल्यूम होता है और इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, टेम्परेचर क्या होता है कॉन्स्टेंट। सो आपको पता है कि इधर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो रहा है, सो जो ये ग्राफ है ना ये, तो इसी से हमारा नाम निकलेगा, अगर थोड़ा कॉमन सेंस निकालोगे तो इसी से हमारा नाम निकल जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो नाम हो जाएगा हमारा थर्म, आइसोथर्म, इस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोथर्म। याद करने का तरीका कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और उससे थर्म निकलेगा, ठीक है। विच अमंग द बिलो गिवन ऑप्शंस इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन भी हमने पढ़ी हुई है, सो
मार्क योर आंसर फॉर दिस. इसका आंसर हो जाएगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी. ठीक है, क्योंकि पी और वी जो थे वो इनडायरेक्टली थे, सो जब ये क्रॉस में चला जाएगा ये पी वी हो जाएगा. ठीक है, तो मतलब ऑप्शन चांसेस हैं या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं. फिर हमने देखा था कि जो बाकी की इक्वेशंस देखी थी हमने बॉयल्स लॉ के अलावा, हमने देखा था चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में क्या था, वी जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शन था टी के. ठीक है, तो ये बन जा रहा था वी बाय टी इक्वल्स टू के. ये कैसे आ रहा है ये हमने डिस्कस किया हुआ है. सो देख लो यहाँ पे वी और टी कैसे हैं डिवीजन में, या फिर आप कह लो वी इक्वल्स टू के टी. वी यहाँ पे और के टी यहाँ पे है और ये न्यूमिनेटर में है, और यहाँ पे टी कहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर में. तो ऑप्शन ए हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट. रियल गैसेस कैन बिहेव आइडियली एट. हमने आइडियल गैस का पढ़ा था, अपार्ट फ्रॉम उसका डेरिवेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी. आइडियल गैस का मैंने मतलब आपको समझाया है. आइडियल गैस वो होती है जिसमें हमने ये अज्यूम किया होता है या हमने ये लिया होता है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इन केस ऑफ आइडियल गैस, वो ज़ीरो होती है. वैसे हमने जब जो रियल गैसेस या बोले जनरली गैसेस में बोले, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीक होती है. बट अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो उसमें हम यही कहते हैं कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ज़ीरो होती है. अब आप सोचो कि आपके पास एक रियल गैस है, ठीक है, और आपने इंटरमोलिकुलर फोर्स को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है. ठीक है, थोड़ी बहुत सोचोगे अगर उसमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है, थोड़ी बहुत अट्रैक्शन को भी आपने ज़ीरो में कन्वर्ट कर देना है, कि मीन्स उनके बीच ज़ीरो अट्रैक्शन होनी चाहिए. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स को एक दूसरे से और भी दूर ले जाना होगा. ठीक है, जो थोड़ी बहुत अट्रैक्शन है वो इसलिए क्योंकि वो यहाँ पर है. अब आपको इसके बीच जो है अट्रैक्शन को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, तो आपको इन पार्टिकल्स को और दूर ले जाना होगा एक दूसरे से. सो जब हमें पार्टिकल्स को एक दूसरे से और दूर ले जाना है, ठीक है, रियल गैस से उसको आइडियल बनाना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो करना है, तो टेम्परेचर को और बढ़ाना होगा. सो सिंपल. ठीक है, तो बच्चों को ये याद करने में मुश्किल रहता है, बट मैंने अभी आपको एग्जांपल से समझाया. तो हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है. और मैंने बोला था कि टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं इनवर्स चलते हैं. सो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर को क्या कर रहे होंगे, कम कर रहे होंगे. सो द राइट आंसर इज़ रियल गैस कैन बिहेव आइडियली एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा. ठीक है, नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी हमारा होता है मास इंटू वॉल्यूम. ठीक है, सो जिसका मास ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा. सो द राइट आंसर इज सॉलिड. ठीक है, नेक्स्ट इज द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट. ठीक है, ग्रीन फ्रूट को जल्दी राइप करने के लिए हम कौन सी गैस को यूज़ करते हैं. अगेन इट इज़ अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, सो ऑप्शंस है इथिलीन, एसिटाइलीन, इथेन और मिथेन. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज इथाइलीन. इसको भी आप अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना. ठीक है, नेक्स्ट इज अगेन इट्स जीके बेस्ड क्वेश्चन, मुझे इंपॉर्टेंट लगा. ठीक है, अगर ये पेपर में ना भी आए तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए. ठीक है, सो क्वेश्चन 39 इज भोपाल गैस ट्रेजिडी ऑफ 1984 इज़ रिलेटेड टू. ठीक है, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था जहाँ पर गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से कितने ही लोग मर गए थे हमारे भोपाल में. ठीक है, सो वो किस गैस की वजह से हुआ था, गैस लीक हुई थी, वो कौन सी गैस थी. ऑप्शन था एल्युमिनियम फॉस्फेट, बी इज मिथाइल ब्रोमाइड,
सी इज मिथाइल आइसोसाइनेट एंड डी इज कार्बन डाइऑक्साइड. सो मार्क योर आंसर एंड द राइट आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनेट. इस गैस की लीक होने की वजह से ये ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में 1984. नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज. हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम और क्या बोल सकते हैं. ए इज गार्लिक एसिड, बी पाइक्रिक एसिड, सी इज म्यूरेटिक एसिड एंड डी इज क्लोरिक एसिड. सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड भी हम बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द गैस फ्लेम इज नोन एज. जो गैस फ्लेम होता है, ठीक है, इस तरीके से बोलो, इसका जो हॉटेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है. ए ब्लू जोन, बी नॉन ल्यूमिनस जोन, सी ल्यूमिनस जोन एंड डी इज डार्क जोन. सो द राइट आंसर इज ब्लू जोन. जो कैंडल के सब जो फ्लेम के सबसे पास होता है, यहाँ पे होता है ये, बिल्कुल पास में ब्लू जोन होता है, वो हमारा क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है गैस फ्लेम का. सो आज हम क्वेश्चन 41 तक ही करेंगे, ठीक है. सो हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अपने आंसर्स चेक कर लो एंड राइट योर स्कोर इन दी कमेंट सेक्शन. बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे.